दिव्यांग सहायता समिति जयपुर के द्वारा अजमेर जिले में चलाए जा रहे दिव्यांग उपकरण अभियान के अंतर्गत आज हमारे जिला प्रमुख CMHO साहब, समाज कल्याण श्रीमान संजय सप्लानी जी के कर कमलों से एक व्हीलचेयर और दो ट्राईसाइकिल से उन लोगों को दी गई जो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं एवं अध्ययन करना चाहते हैं। कल दिनांक को हमारे यहाँ पे CP बच्चों को, MR बच्चों को लिया गया, 31 बच्चों को है जो अजमेर में शेष रह चुके हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कोई अध्ययन कर रहा है, कोई ट्रेनिंग ले रहा है। इन बच्चों को भी कल जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख एवं CMHO, समाज कल्याण अधिकारी DD संजय सप्लानी के कर कमलों द्वारा उन्हें भी रवाना किया जाएगा। आपको ज्ञात रहे कि इससे पूर्व हमने 9 से 11 जनवरी के मध्य सूचना केंद्र में केंद्र लगाया था, जिसमें हमने 656 बच्चों को पैर, कलीपर, हाथ, अलग अलग कान की मशीन दी। अब इन सबको बुला के 824 को अजमेर ज़िले में ये बेनिफिट्स मतलब हो गए हैं उपकरण के अंदर, और आगामी दिनों में भी जो भी हमारे पास अब जो कैंप आ रहा है वो केवल पैर, कलीपर, हाथ के लिए आ रहा है। ये आगे जैसे भी आदेश होंगे किया जाएगा। जिला प्रमुख का काफ़ी हमारे प्रति समिति के वो है जो आए दिन हमारे जिला परिषद में कैंप करवा रहे हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी DD सप्लानी साहब, ये भी इनके भी कर कमलों द्वारा हमें लिस्ट प्राप्त हो जाती है और CMHO द्वारा भी लिस्ट प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार जिले का ये अभियान बहुत ही सफल रहा। उपकरण के मामले हम चाहते हैं कोई भी किसी भी दिव्यांग किसी भी घर में इस उपकरण से वंचित नहीं रहे। मैं सुरेश मेहरा, अजमेर संभाग कोऑर्डिनेटर।